बात करना बंद अगर तूने करी और रोना नहीं पहले बोल रहा हूँ मैं। रुक जा सांची, रुक जा सांची, मैं आज का शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कोई बात भाई, सारा सामान उसने वापस भेज दिया, ये हमारे फोटोग्राफ वगैरह। सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे 300 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं और मानिक के भी 9.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो गाइस थैंक यू, इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो आप लोग। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है, मानिक और मेरी लड़ाई हो गई थी, बट सब अब सॉर्ट हो चुका है, सब सॉल्व हो गया कल। तो जैसे मानिक को मैंने बुलाया था मिलने के लिए, बट पहले तो हमारी वापस लड़ाई हो चुकी थी, बट बाद में मानिक ने मुझे प्यार से मना लिया, तो अब सब सॉर्ट है। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं बेसिकली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता कि लड़ाई किस चीज पे हुई थी। सो गाइस, मैं उस दिन की क्लिप भी ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। तो मानिक ने उस दिन मुझे दोस्त बोल दिया था, तो मैंने पहले भी मानिक को मना किया था कि मुझे नहीं पसंद आप मेरे को बार बार दोस्त बोलो, तो उस चीज पे उतनी लड़ाई हो गई थी, तो कुछ ज्यादा ही लड़ाई हो गई थी। मानिक को भी गुस्सा चढ़ गया था, मानिक ने भी मेरे पे चिल्ला दिया, तो मैं थोड़ा सा शॉक हो गई थी कि ये क्या हो गया आज। तो मैं उस दिन गुस्सा हो गई थी, आप पहले क्लिप देख लो। प्यारी सी हमारी दोस्त सांची, दोस्त मैं ठीक है, अच्छा मतलब दोस्त नहीं। तो गाइस ये देखिए, मेरी दोस्त बना दिया आज आपने मुझे। अभी पीछे जैसे मैंने खाली यार मजाक में बोला था ना कि फ्रेंड, मजाक में बोला था ना फ्रेंड, बाल तो पीछे कर ले। मजाक पता चल जाता, दोस्त बुला दिया ना आज को भी। ओ यार तू मेरी दोस्त कहाँ से हो गई, यू आर माई जिगर का टुकड़ा। सच्चाई निकल गई ना बाबू, इस पर उठने वाली कोई बात है? कैमरा बंद कर दो, मैं नहीं जा रही, मेरे को घर छोड़ो। क्या हो गया फिर, मैंने बोल दिया तो निकल गया ना मुँह से, तो क्या हो गया, दोस्त भी तो है ना हम, फिर क्या हो गया? तू मेरी गर्लफ्रेंड भी है और मेरी दोस्त भी तो है ना यार, इतने प्यार से मैंने बोला था, इतनी सी बात पे कोई रूठता? अगर मैंने तेरे को दोस्त बुला दिया इतनी सी बात पे क्या हो गया? मैं भी सबके सामने फिर दोस्त बोलूंगी। तू मेरे को सबके सामने दोस्त बोलेगी? हाँ। यार मैं तो ऐसे व्लॉग में बोल रहा हूँ, तो क्या हो गया दोस्त? मैं भी व्लॉग में बोलूंगी, मानिक मेरा दोस्त है। फिलहाल इसको सांची को घर पे उतारते हैं, अब हम अकेले चले जाएंगे जहाँ पे हमने जाना होगा, तो चलो अभी फिलहाल सांची को घर पे उतारते हैं। चल ठीक है, बाय बाय। मानिक से कि मानिक को रियलाइज हो जाए उसकी गलती, तो मानिक आगे से ये ना करे, बट मानिक नेक्स्ट डे दिल्ली चला गया था क्योंकि मीटअप वगैरह था, तो मेरा गुस्सा और डबल हो गया था। फिर उसके बाद मानिक जब दिल्ली से आया, तो मानिक ने मुझे मिलने बुलाया था, तो मेरा गुस्सा तो ऑलरेडी डबल था, बट उस दिन और बहस हो गई, तो मुझे और गुस्सा चढ़ गया। तो मानिक ने उस दिन आप सबको भी बोल दिया था कि सांची को मेंशन करो, जितना हो सके उतना मेंशन करो। और गाइस, मानिक जब दिल्ली गया हुआ था, मैंने मानिक के दिए हुए सारे गिफ्ट्स मानिक के दोस्त के हाथ मानिक के घर भिजवा दिए थे, तो मानिक को वो देख के भी बहुत हर्ट हुआ था, आई नो, बट मैंने गुस्से गुस्से में वो सब मानिक के घर भिजवा दिए थे। अभी भी मानिक के पास है, मेरे पास रिंग वगैरह कुछ भी नहीं है अभी, तो सब मानिक के पास ही पड़ा हुआ है। तो मानिक जब वापस आया था, तो वो शॉक हो गया था कि ये क्या हो गया मेरे पीछे से, सांची ने सारा सामान क्यों भेज दिया। तो मानिक उस दिन सारा सामान भी लेके आया था, बट मैंने नहीं लिया था क्योंकि मैं गुस्से में थी, फ्रस्ट्रेटेड थी। आप पहले क्लिप देखो, हमारी बहस किस चीज पे कहाँ से कहाँ पहुंच गई थी। ने भाई सारा कुछ ही वापस दे दिया सांची ने, सांची ने वॉच भी वापस कर दी है, सारा सामान सांची ने वापस दे दिया हुआ है, मतलब जितना भी मैंने उसको आज तक जितना भी कुछ दिया था ना भाई, सारा सामान उसने वापस भेज दिया। ये हमारे फोटोग्राफ वगैरह और ये मतलब फ्रेम वगैरह, टैडी वगैरह सब कुछ सांची ने वापस घर पे भेज दिया। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ मैं इनको देख के, मतलब ना मेरी उससे बात हो रही है, अब मैं डायरेक्ट उसके घर पे भी नहीं जा सकता, अब वो कहीं बाहर आए तभी हमारी बात हो पाएगी, बट वो कॉल ही नहीं उठा रही है। सच बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट ठीक है, नहीं करता बात तो सुन ले, बात तो सुन, 1 मिनट नहीं करता वीडियो शो बस। अब मुझे एक चीज तो बताना सांची, कब तक लड़ाई करेंगे, कब तक नाराज रहेगी तू मेरे से? बात तो कर, मैंने पहले मना किया था, बात तो कर, 1 मिनट रुक ना सांची, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा खाली, इतना क्यों गुस्सा कर रही है यार, इतना गुस्सा करने वाला क्या है, बात भी नहीं करने के लिए रेडी है, सब कुछ सॉल्व कैसे होगा, इतना गुस्सा क्यों आ गया इधर को अचानक से इतनी बात पे? मैं आप पे चीखू इतनी जोर जोर से, पहली बार एक तो इतनी जोर से चीखी हो मेरे पे उस दिन, तो मेरे को गुस्सा आ रहा था ना सांची, तो गुस्सा में तो अचानक से मूड खराब कर देती है यार, इतनी सी बात पे तो इतना नाराज हो गई थी, इतना सा भी प्यार है ना तो जाने दो अभी मेरे को, मेरा दिमाग बहुत खराब है अभी, नहीं करना मेरे को तो। तो गाइस, मैं मानिक से टाइम मांग रही थी कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, आपको मेरी कसम है कि आप इतना सा भी प्यार करते हो मुझे, तो मुझे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो और मुझे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि मैं उस टाइम लड़ाई के मूड में बिल्कुल नहीं थी, मेरे से बार बार लड़ाई नहीं हो रही थी, तो
तो मैं ये नहीं चाहती थी कि हम लड़ाई करें तो सब खत्म ही हो जाए। तो उस दिन तभी मैं वहां से चली गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने उसको बोला कि मुझे थोड़े दिन अकेला छोड़ दे, मैं खुद ठीक हो जाऊंगी। फिर आप सबने मुझे मेंशन करना शुरू किया, तो गाइस मुझे नहीं पता था इतना ज्यादा प्यार है आप लोगों को। एक दिन में आप लोग 1000 से 2000 स्टोरीज में मेंशन कर रहे थे, तो अंदर से मुझे बहुत फील हो रहा था, बट मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि गुस्से में थी ना, मैं क्या ही बोलती। बट आप लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी लड़ाई सॉल्व कराने में, मुझे फील हुआ है। मानिक को पता था कि मैं रील्स और फोटोज़ बार बार देखूंगी तो मुझे फील होगा, और हाँ ऐसा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ है। फिर नेक्स्ट डे मानिक ने ब्लॉग डाल दिया जिसमें मानिक ने रो दिया। मेरे पास और कोई है नहीं जरिया कि मैं सांची के साथ कैसे बात करूं, तो अब सिर्फ मैं ये वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है वो वीडियो तो मेरी ज़रूर देख लेगी। मैं तो बस सांची को यही बोलना चाहता हूं कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दे। ठीक है मेरे मुंह से निकल गया, बट इतनी सी गलती के लिए तू रिलेशन मत ख़त्म कर, मैं यही बोलना चाहता हूं। और मैं तेरे बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं और किसी के साथ नहीं जाता था, सबसे ज़्यादा क्लोज मेरे तू ही थी। हर एक बात तेरे से करता था, हर एक प्रॉब्लम तेरे साथ करता था, मतलब जितनी ज़्यादा तू मेरे क्लोज है ना उतना कोई भी नहीं है। तो अब तेरे बिना बहुत अकेला हो गया हूँ यार मैं, बस यही बोलना चाहता हूँ सांची को। अगर तू वीडियो देख रही है यार छोड़ दे गुस्सा, इतना गुस्सा भी आज से तूने कभी इतना गुस्सा नहीं किया। बस मेरे को तेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और मैं चाहता हूँ फिर से नॉर्मल हो जाए सब कुछ, क्योंकि अब कैमरे के सामने मैं कैसे कैसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अभी जो भी मेरे माइंड में चल रहा है, जो भी मेरे मुंह में आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, तेरे को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर तुझे लगता है कि मैं गलत हूं तो मेरे को पनिशमेंट दे दे, तो जो तू बोलेगी मैं वो करने के लिए रेडी हूं। बट तेरे बिना बहुत अकेला फील हो रहा है मेरे को, तो छोड़ दे गुस्सा यार सांची। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मानिक रोया ब्लॉग में, और मुझे गुस्सा और इसलिए चढ़ रहा था कि भाई लड़ाई हुई है, प्राइवेट लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बट आप भी हमारी फैमिली हो, चलो शेयर आपके साथ किया। बट एक व्लॉग तक ठीक था, उसके बाद मुझे गुस्सा चढ़ना शुरू हो गया कि हर कोई व्लॉग में मेरे लिए मानिक बोल रहा है। मैंने मानिक को बोला भी था कि मानिक प्लीज़ वीडियो मत डालना, क्योंकि यार कुछ प्राइवेट भी होता है। अगर लड़ाई हुई भी थी चलो एक व्लॉग डाल दिया, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा, उसके बाद मानिक ने और भी व्लॉग्स डाले और फिर मानिक ने रो दिया। सो गाइस ऐसा नहीं है कि मानिक का वो व्लॉग देख के मुझे कुछ नहीं हुआ, मानिक पहली बार मेरे सामने रोया है। मैं जाने वाली थी मानिक के घर बट मैं नहीं गई, मैंने सोचा मैं खुद बुलाऊंगी मानिक को अपने पास मिलने के लिए, बट मेरा उस टाइम मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि फिर से बहस होएगी, फिर कुछ होएगा, फिर लड़ाई बढ़ेगी, तभी मैं रुक गई। मैंने कहा थोड़े दिन रुक जाती हूँ, जब सब शांत हो जाएगा फिर बुलाऊंगी मानिक को। 900 के भी कंप्लीट हो गए थे और मैंने मानिक को विश भी नहीं किया। मानिक ने मुझे मैसेज किया था उस दिन, फ़ोन भी किए थे कि आजा केक कट करना है, बट मैं नहीं गई। उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी तो मैं तभी नहीं गई। मैं मानिक का फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, मैसेज भी नहीं देख रही थी, तो सॉरी आप सबको भी और मानिक को भी कि मैंने ऐसा किया। बट मैं आपको बता देती हूँ यार कि आप सबको लग रहा था कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी या छोड़ के चली गई हूँ, बट ऐसा नहीं है गाइस, मैं भी नहीं रह सकती हूँ उसके बिना, मुझे भी पता है। हाँ गुस्सा थी, मानिक को रियलाइज़ करवाना था मैंने कि आगे से मानिक ये चीज़ ना करे। फिर वापस बैठी तो बात वगैरह हुई, शॉर्ट वगैरह किया हमने, उसके बाद रेडी वगैरह होके हम केक वगैरह कट करने गए। वो भी अभी क्लिप डालती हूँ, वो भी आप सब देखते हो। यार अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा, सुन रही है, सुन रही है, इधर देखना। खुद तो रो के बता दिया, मेरा घर पे जो हाल हो रहा था वो किसी को पता है? मुझे सपना आएगा तेरे घर पे तू कैसे क्या कर रही है, रो रही है, क्या कर रही है? सब मेरे को बोल रहे हैं बेवफा हो आप, मानिक को यूज करके आपने मानिक को छोड़ दिया, ये वो किसी को पता है मैं गुस्सा क्यों हूँ? तू मेरे ब्लॉग अच्छे से नहीं देखती है, मैंने सबको यही बोला है कि मेरी गलती है। और एक बार मुझसे पहले भी मैंने एक बार सांची को बोला था कि मेरी फ्रेंड है। उस दिन दोस्त वाले पे लड़ाई हुई, ठीक है, पर मुझे गुस्सा क्यों ज्यादा चढ़ा कि आप ब्लॉग डाले जा रहे हो बार बार। सांची तुझे पता है ना व्लॉग मेरा काम है यार, और तुझे पता है हर्ट हो रहा था, और हर्ट हो रहा था, और घर बैठे बैठे स्टोरी देख देख के मेरी बुरी हालत हो गई थी, मैं किसको क्या बोलती। एक काम करेगी, जान ले ले मेरी, मेरे को सॉरी क्यों बोल रही, मैं सॉरी, तू सॉरी, मैं सॉरी। सो गाइस फाइनली ये देख रहे हो इसका गुस्सा, जो तू उतर के जाती है ना सांची गाड़ी से 2 मिनट में, तू 3 बार उतर के गई है गुस्से में, और 3 बार तूने पता विंडो कितनी जोर से बंद की है। नहीं चीखते हो, रो के कुछ नहीं होता है, मैं भी रोया था कुछ नहीं हुआ। और रोना नहीं, पहले बोल रहा हूँ मैं, रोऊंगी, कैमरा बंद होगा तब रोऊंगी, कैमरा बंद होगा तो रहेगी। अब 900 का केक कट करना है, मेरे साथ केक कट करना है ना, कब करना है?
आज अभी इसी टाइम घर पे पड़ा है केक, तो लेके आओ। और तू ऐसे ऐसे रेडी होके आना क्या पार्टी में जा रही है कहीं? हाँ, 900 केक की पार्टी पे। सच बता भाई, इतना रेडी होके ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी में जा रही है। ड्रेसी तो पहनी है और अच्छा, अच्छी बात है भाई। हॉटनेस हॉटनेस गाइस, कोई एसी चला दो, गर्मी हो रही है। एक कप का केक है पता है, 3-4 दिन हो गए इस केक को। 900 के लिखा हुआ है और आगे मैंने लिखा था सॉरी। जल्ले भाई, ओए जल्दी 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 जल्दी। हैप्पी 900 के सब्सक्राइबर्स, हमारी यूट्यूब फैमिली 900 के कंप्लीट हो चुकी है। 1 मिलियन सून, सबसे पहले मैं तेरे को खिलाऊंगा भाई, ठीक है? ठीक है, 1 मिलियन सून, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। एक चीज तो रह गई थी, एक चीज तो रह गई है, मैं बताता हूँ वो क्या है। ये ले, ये खा गई। सो गाइस, फाइनली हमने अपना 900 का केक कट कर लिया। हर बार आप लोगों को पता ही है हम खाने पीने का सामान देते थे, तो इस बार मौका नहीं मिला, बट हम दे देंगे, ठीक है? तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि हर एक चीज थोड़ी बताई जाती है व्लॉग में। मतलब अगर चुका है, मानिक अब ऐसा कुछ नहीं करेगा। और गाइस, थैंक यू आप सबको, आप सबने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिखाया। आपकी वजह से भी मैं थोड़ा सा पिघल गई कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आप सबको, बहुत प्यार करते हो यार आप लोग। तो आज का ब्लॉग यहीं तक ही था, मिलते हैं नेक्स्ट मस्त ब्लॉग में मानिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।